लखनऊ हिंसा मामले में गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ता सदाब जाफर और पूर्व आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी को जेल से रिहा किया गया है। जेल से रिहा होते ही पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी ने लखनऊ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ता सदाब जाफर पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी रिहा हुए हैं। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार करने का कोई कारण ही नहीं था। जब हिंसा हुई थी तब मैं घर में नजरबंद था, इसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और खाना नहीं दिया गया। ठंड लग रही थी, कंबल की मांग की लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। संवेदनहीनता का आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ता सदाब जाफर ने कहा कि पुलिस ने मुझे पाकिस्तानी कहा, मेरे परिवार को मेरी गिरफ्तारी के बारे में सूचित नहीं किया गया था। हजरतगंज थाने में जो लोग मेरे बारे में पूछने आ रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया, सैकड़ों बेगुनाहों को फंसाया गया। शनिवार को दारापुरी और सदाब समेत 13 आरोपियों को जमानत दी गई थी। दमनकारी कानून वापस आया है और जिस तरह से लगाया गया है, जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा और प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो उसका तब तक विरोध करती रहेगी जब तक कि ये अमानवीय कानून जो है वापस नहीं लिया जाएगा। मुझे तरस आता है जिस तरह से डरी हुई है योगी सरकार और जिस तरह से वो घबराई हुई है और जिस तरह से बौखलाहट में उसने धाराएं घबराहट में लगाई हैं। और शुरू में गुस्सा आ रहा था लेकिन अब वाकई हंसी आ रही है, ये हास्यपद है। ये जो कानून था जिसका विरोध करने पर हमें जो है जेल में डाला गया है, वो कानून संविधान विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा ये जो विरोध है इसका वो विरोध जारी रहेगा। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से योगी पुलिस ने निर्दोष लोगों को घरों से हटा के, होटलों से हटा के जो है यहाँ जेल में ठूंसा है, वो एक दमन का प्रतीकात्मक है। हम इसकी निंदा करते हैं।